सेंटेड कैंडल पॉट्स वाला डब्बा। ऐसे ही इतनी कंजूसी से उसने वैक्स दिया। अभी एक दो घंटे लगेगा तो मैं खाना खा के सो जाती हूँ, फिर मिलते हैं। Hey cuties, this is Aditi. Welcome back to my channel. और आज की वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वन, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे ये करो क्या करो बता दूं। हाँ, तो आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि अदिति यार कैंडल बनाओ ना, तो चलो मैं ले आई हूँ आज सेंटेड कैंडल पॉट्स वाला डब्बा। मतलब हम बहुत सारी कैंडल्स बनाने वाले हैं। और ये वाली क्लिप ना आयुषी दी लेके आई थी, सिजर्स वाली, बिकॉज आई एम अ क्राफ्टर और मुझे सबसे ज्यादा टूल जो पसंद है वो है सिजर्स। मैं पूरे टाइम कैंची चलाती रहती हूँ, तो वो मेरे लिए लेके आई थी। एंड दीज आर टू क्यूट, इसलिए मैंने सोचा आज वाली वीडियो में पहन लेती हूँ। डब्बा इज क्वाइट हैवी, तो इसमें सामान भी काफी सारा होगा, तो चलो एक बार इसमें कंटेंट देख लेते हैं कि हमें इसने क्या क्या दिया है। तो हमारे पास है 3 टेराकोटा पॉट्स डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के, 6 पेंट कलर्स, 1 पेंट ब्रश और 5 कैंडल विक्स, मतलब जो कैंडल में वो डोरी लगती है, और 3 पैकेट्स ऑफ सेंटेड वैक्स 60 ग्राम के ईच। तो चलो आई एम वेरी एक्साइटेड, एक बार इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये रहा मैनुअल, इसमें पूरा डायरेक्शन लिखा है कैसे बनाना है। और ये रहे 6 कलर, ओ हो रंगीला दे दिया। एंड नाउ दीज 3 क्यूट टेराकोटा पॉट, लेट्स सी कि कौन कौन से शेप में मिला है। ओके, तो ये शेप मुझे काफी क्यूट लग रहा है। ओ गॉड, इसमें जो टेक्सचर आया ना, आई जस्ट लव इट। और ये काफी बेसिक्स है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंडल से ज्यादा ये प्लांटर में अच्छा लगेगा। ये रहे कैंडल विक्स, काफी कंजूसी के साथ दिया है। और ये रहे कुछ वैक्स। सेंटेड है, काफी अच्छी स्मेल आ रही है। एक नंबर भाई, मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, पेंट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक वाइब दे रहा है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ व्हाइट एंड ब्राउन चल रहा है। बट ठीक है, देखती हूँ, कुछ फंकी भी बना देंगे, एक एस्थेटिक से बना देंगे, ऐसा कर लेंगे ना। तो यार मैं सच बताऊँ तो मैं रंगीला से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ना मैं यूज करती हूँ ना मैं यूज करने वाली हूँ। तो मैं अपने ओहू यूज कर लूंगी। ओहू यूज करने का एक एडवांटेज भी है कि मेरा हाथ यू नो मार्कर में ज्यादा सेट है रादर देन पेंट ब्रश में, तो हम कुछ ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। बेटा अदिति, ये तो वक्त बताएगा कि आप आज कितनी क्रिएटिव हो पाई है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और कैंडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि पहले मैं कैंडल बनाऊंगी, उसके बाद मैं पॉट्स पेंट करूंगी। नो अदिति, पहले हम पेंट करेंगे। नो छोटी, आई हैव डिसाइडेड। तो सबसे पहले तो मैं कैंडल विक लगाने वाली हूँ पॉट में। तो हमें रंगीला के साथ जो पेंट ब्रश मिला था वो ही यूज कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो पेंसिल भी यूज कर सकते हो, फिर थोड़ा बहुत लपेटने के बाद एक्स्ट्रा छोड़ देना और पॉट में नीचे रख देना आराम से। तो चलो मैं अब किचन में आ गई हूँ और कैंडल वैक्स का एक पैकेट खोल के इसको चूर चूर कर देंगे हम। दीदी तुम तो कत्ले आम कर दोगी सब कुछ। छोटी तुम्हें बहुत मजा आ रहा है कैंडल साथ में बनवाते हुए। दीदी मुझसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी कट करो। तो ये चूर चूर हो गया, अब इसको मैं माइक्रोवेव करने वाली हूँ। आप चाहो तो गैस में डबल बॉयलर भी यूज कर सकते हो, बिकॉज जो मैनुअल मिली थी उसमें वही लिखा था, बट बिकॉज मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और साथ में मैं शूटिंग भी कर रही हूँ, इसलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ माइक्रोवेव। और यार ये तो मेल्ट भी हो गया। भाई मेल्ट हो गया और स्मेल भी काफी अच्छी आ रही है। अब हमें बड़ी होशियारी के साथ और पेशेंस के साथ इसको पॉट में ट्रांसफर करना है विदाउट फर में गिराए, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा क्लमजी हूँ ना, इधर इधर उधर उधर करते करते मैं गिरा देती हूँ, इसलिए धीरे से आराम से। यार ये तो बड़े आराम से ही हो गया, वाह क्या बात है। बट यार इतना सा ही फिल हुआ बस। भाई ये तो इतने कंजूस निकले, मैंने सोचा 3 पैकेट दिए हैं तो तीनों पॉट्स के लिए एक एक पैकेट होगा, बट ये तो आधे से भी कम हुआ है। मतलब मुझे लग रहा है कि ना सारा तीनों पैकेट एक ही पॉट में खत्म हो जाएगा और मैं सिर्फ एक पॉट बना पाऊंगी। चलो ऐसा करती हूँ, मैं भी थोड़ी कंजूसी कर लेती हूँ, मैं दोनों पैकेट तो नहीं, अब एक पैकेट और लेके आती हूँ, ठीक है मेल्ट करके। चलो फिर से। भाई क्या नौटंकी चालू हो गई, अभी तक तो इजिली कर रही थी मैं, मैंने बोला था मैं क्लमजी हूँ। भाई फर तो गया ही गया, ये भी साइड से गया, अब इसको कैसे कवर करूं मैं। मतलब यार अब कलर करूंगी तो वो भी अलग से, अब क्या कर सकती हूँ, ऐसा ही कर सकती हूँ कि जहाँ पे भी रखूंगी तो ऐसा रखूंगी। थोड़ा सा ब्रश ओविक को साइड में करके ट्राई करती हूँ। नो नो, और फर तो भाई साहब, फर के ऊपर तो मैं ऐसा अत्याचार करती हूँ, ऐसा कभी कलर कभी वैक्स कभी सोप पैकिंग कुछ भी सब गिराती रहती हूँ, कभी स्लाइम। अब मैं सोच रही हूँ कि इस संडे इसको थोड़ा सा वॉश करवा लूँ। अब मेरे पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा, जल्दी से ट्रांसफर कर रही हूँ, जो गिर रहा है वो गिरे। यार ये अभी भी पूरा फिल नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं, विक को सेंटर में करके छोड़ दो। यार इसको तो ड्राई होने में आएगा सभी एक दो घंटे लगेगा, तो मैं खाना खा के सो जाती हूँ, फिर मिलते हैं। झूठ बोल रही थी मैं, सोई वोई नहीं, बस खाना खाया और आधे घंटे में ये भी जम गया।
तो चलो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब इसके साथ साथ मेरा फर भी जम गया। चलो फटाफट से एक्स्ट्रा विक कट कर लेंगे और थोड़ा सा वैक्स यहाँ से भी मैं निकाल देती हूँ, बिकॉज कलर करते टाइम बहुत दिक्कत होगी, इसलिए जितना निकल पाएगा मैं निकाल देती हूँ। और ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी। क्या है दीदी, सेम टू सेम ही तो है, अंदर बस वैक्स हुआ है। बात तो ठीक है। अच्छा चुप रहो, मुझे ड्रॉइंग करने, तो यहाँ पे मैं हाफ फ्लावर बना रही हूँ। मैंने ये डिजाइन गूगल पे देखा था और मुझे काफी आई प्लीजिंग, बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैंने सोचा यार इजी सी है, चलो यही बना देते हैं। और ड्रॉइंग तो ठीक ठाक हो गई है, क्वाइट इम्प्रेसिव। मेन तो पेंट है यार। चलो ओहू आ जाओ और काम पे लग जाओ। तो मैं पूरे पॉट को ब्लू कलर करने वाली हूँ, स्टार्टिंग विद द बाउंड्री। वैसे तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, बट बाउंड्री करने के बाद सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है, प्लस आपका यू नो थोड़ी सी नीटनेस भी आ जाती है। दीदी तुम पिंक कलर की कैंडल नहीं बनाई ना? अरे बाबा नेक्स्ट में बना दूंगी, ऐसे ही इतनी कंजूसी से उसने वैक्स दिया और तुम और कंगाली में आटा गीला कराओ। इसे सामने से तो ये काफी क्यूट ब्लू है, पता नहीं क्यों यार वीडियो में थोड़ा सा डार्क ब्लू लग रहा है, बट एनीवेज कैसे तैसे हमने बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया। ओ गॉड सच अ रिलीफ। चलो फटाफट से फ्लावर कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं येलो से सेंटर पार्ट कंप्लीट कर दूंगी, और क्योंकि मैं पेटल्स व्हाइट रखूंगी तो चाहूं तो ऐसे भी छोड़ सकती हूं, बट ना यार मैं कलर करूंगी क्योंकि उससे ज्यादा नीट और बहुत वाइब्रेंट लगेगा। वैसे मैंने कैंडल मेकिंग किट को व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन में टैग कर दिया, तो फटाफट से जाके देख लो। तो कलर एंड ऑल डन, अब बारी है आउटलाइनिंग की। तो मैंने फटाफट से ब्लैक मार्कर ले लिया है और आउटलाइनिंग करनी स्टार्ट कर दी है। थोड़ी बहुत डिटेलिंग हम बीच में ऐड करते रहेंगे। और यार मुझे नहीं पता ये कौन सा फ्लावर है, बट चलो जल्दी से कमेंट में आप अपना फेवरेट फ्लावर तो बता दो। और अब मैंने पेटल्स को भी आउटलाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। और मैं ना आउटलाइनिंग हमेशा बहुत मोटी करती हूँ, पता नहीं यार मुझे क्यों बोल्ड आउटलाइनिंग पसंद है, एकदम यू नो कार्टूनिश सा इफेक्ट आता है। और यहाँ पे लाइट एकदम बेबी सा पिंक लेके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेड दे दिया है, एंड इट्स डन। चलो आओ इसको एक बार जला के भी देख लेते हैं। Wow! This looks surreal. Oh my God! I love it. Oh, I just love it. And I'm so sorry guys, मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही कैंडल बना पाई, बिकॉज वैक्स इतना लिमिटेड दिया था ना उन लोगों ने, मतलब मेरा खुद दिमाग खराब हो गया। मैं बहुत सारे बनाना चाहती, बहुत सारे क्या, मैं तीन तीन ही थे, मैं तीनों बनाना चाहती थी, बट कोई बात नहीं। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक शॉर्ट वीडियो लाती हूँ जिसमें मैं दूसरा पॉट सजाऊंगी। What say? So cuties, that's it for today. और आवाज बहुत ज्यादा टाइप की हो रही है, तो मुझे लगता है कि वीडियो यहीं पे अब खत्म कर देनी चाहिए। तो आई होप आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो सक्सेसफुल रही। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लो ना, और बेल बटन दबाए बिना तो बिल्कुल भी मत चले जाना, बिकॉज ये अमेजिंग वीडियोज ना आप मिस कर सकते हो ना स्किप कर सकते हो, तो क्यों जाना भाई, जल्दी से बेल बटन दबा लो ताकि सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मुझे लगता है ना मुझे माइक निकाल के ही बात करना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज इतना आता है इसलिए मुझे माइक खरीदना पड़ा, बट माइक से मेरी आवाज एकदम चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।